हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी टैंक सेंट मिसाइल के बारे में। तो ये सेंट मिसाइल है क्या दोस्तों, और ये आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? भाई, आपका भी CDS FKT आएगा दिसंबर में, इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेंगे, और जो CAPF एग्जामिनेशन है इसमें भी ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो सेंट मिसाइल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इट इज़ अ स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ये किसने डेवलप की है, इसकी क्या रेंज है, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो रिसेंटली दोस्तों क्या हुआ, इंडिया ने एक सक्सेसफुली इंडिजीनियसली, मतलब खुद ब खुद बनाई हुई स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को टेस्ट किया है फ्रॉम दी ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म ऑफ उड़ीसा कोस्ट। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उससे पहले दोस्तों ये मेरी डिटेल है, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। एंड अगर आपको हमारे लेक्चर की PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम के इस आईडी से हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो की, और इंस्टाग्राम और फेसबुक की इन पेजे और आईडी से जुड़ सकते हैं अगर आपको डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है। दोस्तों एंटी टैंक सेंट मिसाइल, एज आई टोल्ड यू, ये एक क्या है, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जो कि DRDO के द्वारा डेवलप की गई है इंडियन एयरफोर्स के लिए, जो कि अपने हेलीकॉप्टर या मेनली जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है उनमें इंस्टॉल करके इसे यूज़ किया जा सके, उस चीज़ के लिए डेवलप की गई है। ये एक अपग्रेडेड वर्जन है हेलेना मिसाइल का, जो कि पहले इसकी रेंज मानी जाती थी 7 to 8 किलोमीटर, जो हेलेना मिसाइल है जो कि मेनली हेलीकॉप्टर में देखी जाती है। अब इसकी रेंज जो है ये हो चुकी है 15 to 20 किलोमीटर। कितनी हो चुकी है? 15 to 20 किलोमीटर। और इट इज़ इक्विप्ड विद अ न्यू नोज माउंटेड एक्टिव रडार सीकर एंड अ लॉन्च प्लेटफॉर्म एट द सेफ डिस्टेंस टू इवेड द डिफेंसिव फायर फ्रॉम द टारगेट एरिया। सेंट मिसाइल हैज़ बोथ लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च कैपेबिलिटी, एंड मिसाइल विल बी इंडक्टेड आफ्टर द सीरीज ऑफ टेस्ट फ्रॉम एक्चुअल लॉन्च प्लेटफॉर्म ऑन बोर्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर एंड लाइट कॉम्बैट, आपका एडवांस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो मतलब मेनली इसे जो लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स है उनमें इंस्टॉल करके ये पूरी तरीके से टेस्ट किया जाएगा, और जब इसका अप्रूवल होगा तब इसे इंडक्ट कर लिया जाएगा दोस्तों। और जानते हैं जैसे कि अभी दूसरी मिसाइल्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। लाइक DRDO हैज़ डेवलप्ड द सेवरल स्टेट ऑफ द आर्ट एंटी टैंक मिसाइल्स इन दी सेम रेंज, दैट इज़ नाग। नाग भाई आप जानते हैं, ये एक फायर टू फॉग फायर एंड फॉगेट मिसाइल है, मतलब कि आप एक बार इसे फायर कर दो ये अपने टारगेट को नहीं छोड़ेगी, इसीलिए हम इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं। नेक्स्ट है अपनी हमारी दीज इंक्लूड द प्रोस्पीना विच इज़ यूज बाय द इन्फेंट्री एंड इट्स रेंज इज 4 किलोमीटर। इन्फेंट्री के द्वारा यूज़ की जाती है प्रोस्पीना, और इसको शोल्डर पे रख के भी फायर किया जा सकता है। सिमिलरली जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है इसको भी शोल्डर पे रख के इसको फायर किया जा सकता है। और हेलेना, एज आई टोल्ड यू दैट हेलेना भाई एक नाग का वर्जन है जो कि हेलीकॉप्टर में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग एंटी टैंक सेंट मिसाइल? ए एयर टू सरफेस मिसाइल है ये, बी इट हैज़ अ रेंज ऑफ 100 to 200 किलोमीटर, सी इट इज़ डेवलप्ड बाय हाल, एंड डी इट विल बी गिवन टू द इंडियन नेवी। तो जो भी इसका करेक्ट आंसर है आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स पे अटेम्प्ट करें। एज आई टोल्ड यू, हमारे हर वीडियो के लेक्चर में आपको ज़रूर से ज़रूर दो या एक MCQ मिलेंगे जो कि आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर आप अटेम्प्ट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले दोस्तों। और आप हिट द बेल आइकन, मतलब आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे जो फर्दर अपडेट्स आएँ वीडियो से रिलेटेड वो आप मिस ना करें। थैंक यू एवरीवन।